सीएम राजे आज 3 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर जाएंगी और यहां पर सीएम आज सुबह 11:15 पर जयपुर से रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे के करीब बाड़मेर पहुंचेंगे। सीएम राजे शाम 4 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे और 24 अक्टूबर को सीएम दोपहर 2 बजे स्वर्गीय गंगाराम चौधरी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 4 बजे मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सीएम 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। अहम खबर हम आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर आएंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उसके साथ ही 12 बजे के करीब वो बाड़मेर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे वो कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद हम आपको बता दें कि कल एक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय दौरा रहेगा बाड़मेर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। बात एक और अहम खबर की, अजमेर से हम खबर, सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5,26,150 का सट्टा पकड़ा गया है, तो सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगभग पुलिस ने 5,26,150 का सट्टा पकड़ा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है, तो पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया और अजमेर से हम खबर, सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5,26,150 रुपये का सट्टा पकड़ा है। देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया गया। अच्छाई के बाण से रावण रूपी दशानन का नाश हो गया। प्रदेश में भी धूमधाम से दशहरा मनाया गया है। तो यहां पर 5 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। अजमेर में रावण दहन हुआ, बीकानेर में भी रावण का दहन किया गया, चुरू में भी ये त्योहार, ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मकराना में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम के बाण से रावण का दहन हुआ। साथ ही श्रीगंगानगर की तस्वीरें अगर आप देखें तो यहां पर भी पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ विजयदशमी का त्योहार, जिस पर कहा जाता है कि अच्छाई जीतती है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, सत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है, तो इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 4 और तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जोधपुर की तस्वीरें देखें तो वहां पर भी पूरे आतिशबाजी के साथ ये त्यौहार मनाया गया। भरतपुर में भी ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अलवर की तस्वीरों पर अगर आप गौर करें तो वहां पर दशानन का दहन किया गया। अजमेर में भी वही एक नजारा पूरा देखने को मिला। सीएम राजे 28 अक्टूबर को डीडवाना के दौरे पर आने वाली हैं। तैयारियों का जायजा लेने प्रभारी मंत्री यूनुस खान, सांसद सिया चौधरी डीडवाना पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री के सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया। सुरक्षा को लेकर आईजी मालिनी अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से यूनुस खान ने बताया कि 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सीएम राजे रहमान गेट स्थित हेलीपैड पर लैंड करेंगे और उसके बाद सीएम का 3 दिवसीय दौरा शुरू होगा। सीएम राजे 1600 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। का 3 दिवसीय नागौर जिले का दौरा 28, 29 और 30 अक्टूबर को रहेगा, जिसमें 28 अक्टूबर को एक बहुत प्रतीक्षित पीने के पानी की जो योजना थी उसके 1600 करोड़ रुपए की शिलान्यास वो नागौर जिले के फेज 2 के लिए करेंगी। देश के मशहूर लेखकों के पुरस्कार लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोटा के साहित्यकार ने भी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। साहित्यकार और आरएएस अधिकारी अंबिका दत्त चतुर्वेदी ने फेसबुक पेज पर पुरस्कार लौटाने की घोषणा की। अंबिका दत्त को साल 2013 में केंद्रीय साहित्यकार अकादमी पुरस्कार मिला था। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं आत्मा गलानी से भर गया हूं, अब यह संभव नहीं है कि मैं अपने लेख समाज से अलग होकर रह सकूं। दर्ज करा रही थी साहित्यिक बिरादरी, तो मुझे ये लगा कि मैं साहित्यिक बिरादरी का हिस्सा हूँ और साहित्यिक बिरादरी यदि कोई संघर्ष या प्रतिरोध कर रही है और मैं उससे अलग रहता हूँ तो कभी भी मुझसे ये सवाल किया जा सकता है कि उस समय प्रतिरोध करते समय आप बिरादरी से अलग क्यों रहे, और मुझे लगता है कि बिरादरी के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी है, उससे अलग रहने से ज्यादा या उससे बड़ा कोई मूल्यवान मेरे लिए कुछ भी नहीं। चुरू में रिश्ते तो शर्मसार हुए ही हैं, साथ ही ग्राम सेवक का तमगा भी दागदार हो गया। वाकया दुधवा खारा गांव का है, जहां पर एक महिला ने अपने ससुर और जेठ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और पति सास के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने विवाहिता का मेडिकल करवाया है, जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक
शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जेठ और ससुर ने उसके साथ रेप किया और फिर उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा। किसी तरह महिला ने अपने भाई और बहन को सूचना भिजवाई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस तफ्तीश के बाद कार्रवाई की बात कह रही। दो अखाड़े की जिसने अपने जेठ व ससुर के खिलाफ बलात्कार करने की कोशिश व बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर मुकदमा नंबर 66/2015 दर्ज कर तफ्तीश हमारे SHO साहब अस्वस्थ होने के कारण SHO दूध अखाड़ा को पत्रावली अग्रिम तफ्तीश हेतु भिजवा दी। माउंट आबू में मां और उसके 2.5 साल के बच्चे की लाश मिली है। दोनों लाश नक्की लेक के किनारे पर स्थित अनादरा पॉइंट के जंगलों में मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस से जांच शुरू हो गई है। मां बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई और महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त करने का और उसकी किस कारण हत्या की गई इसकी जांच में जुटी हुई है। रानीवाड़ा में दो सगे भाइयों के मिट्टी में दबने से मौत हो गई। घटना मारुवाड़ा गांव की है, जहां पर कच्चे मकान की पुताई के लिए मिट्टी लेने गए दो सगे भाइयों पर नाले की मिट्टी आ गई, जिसमें दोनों दब गए। आनन फानन में उन्हें निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से रानीवाड़ा अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नदारद मिले। परिजन उसे गुजरात ले जाते उससे पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। गया था और मिट्टी ऊपर गई थी और एक तो भाई ऑफ हो गया और एक आया हॉस्पिटल में। मिट्टी काय को लेने गए थे? मिट्टी तो कोई घर के काम के लिए गए। अस्पताल में डॉक्टर डॉक्टर एक भी नहीं है, सब मरीज बैठे हैं। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। घटना कुन्हाड़ी थाना इलाके की है। युवक के सुसाइड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से तनाव में था और ये भी बताया जा रहा है कि वो किसी महिला से रुपये उधार ले रखा था और वो रुपये लौटा नहीं पा रहा था। वहीं रुपये को लेकर महिला आए दिन घर आकर गाली गलौज करती थी। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों की रिपोर्ट मामले की जांच में जुट गई है। सरदार शहर में मेगा हाईवे पर तीन अलग अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तीनों दर्दनाक हादसे हाईवे पर हुए। पहले हादसे में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में अज्ञात वाहन ने एक पैदल चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी, इस राहगीर की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरे हादसे में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। भरतपुर में ट्रैक्टर ने जीप को टक्कर मार दी। हादसे में एक जीप सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा बासी मोड़ के पास हुआ, जहां पर तेज रफ्तार से आ रहा ट्रैक्टर जीप से भिड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फलादी में दुकान में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हादसा तिरुपति मार्केट में है, जहां पर कॉस्मेटिक शॉप में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दाल के जमाखोरों पर रसद विभाग ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। झुंझुनू के अनाज मंडी में रसद विभाग ने प्रहलाद राम बेड़ी प्रसाद नाम के फर्म को छापा मारा। फर्म से विभाग ने 796 क्विंटल दलहन को जब्त किया है और इनमें मूंग मोठ और चौला शामिल है। जब्त किए गए दलहन की कीमत 40 लाख रूपये आंकी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दाल और दलहन का खरीद बिक्री बिना लाइसेंस ही चल रहा था। रसद विभाग ने आरोपी फार्म के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जब से स्टॉक लिमिट लागू हुई है, उसके बाद हमारे लगातार जिले में कार्रवाइयां जारी हैं। आज भी हमने इसी के तहत आकस्मिक निरीक्षण किया नई अनाज मंडी झुंझुनू में, जिसमें यहाँ कोई फर्म है मेसर्स में, तो इनके पास जो लाइसेंस RTL का वो दाल और दलहन के लिए नहीं है और एक तरह से अवैध कारोबार है ये दाल और दलहन का। 96 क्विंटल दलहन सीज किया गया है, जिसकी बाजार वैल्यू लगभग 40 लाख 18 हजार रुपये है।
दाल जमाखोरों पर रसद विभाग का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। विभाग लगातार एक के बाद एक शहरों में इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ताजा मामला केकड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां पर स्थित दाल मिल में रसद विभाग ने कार्रवाई की और मौके से बड़ी मात्रा में करीब 1200 क्विंटल दाल का स्टॉक टीम ने बरामद किया। ये कार्रवाई जिला रसद अधिकारी द्वित के नेतृत्व में की गई। जोधपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1100 किलो नकली मावा जब्त किया और पाल रोड पर भवानी नगर के खंडर में दिख रहे एक मकान पर स्वास्थ्य विभाग के दल ने छापा मारा, जहां से बड़ी संख्या में टीम जमा किए गए जिनमें मावा भरा हुआ था। वहीं टीम ने मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। सुबह आज सूचना के आधार पर यह पासना सिटी के सामने जय भवानी कॉलोनी है, यह किसी मकान के कमरे में जो है वो मावा पाए जाने की खबर हमें प्राप्त हुई थी, तो इस आधार पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यह जो है वो दूसरे मावा विक्रेता भी उपस्थित हैं, उनके सहयोग से जो है ये हमने ये ठिकाना पकड़ा है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी तलाश जारी है, जैसे वो मिल जाता है तो इसका नमूना लेके कार्रवाई की जाएगी और शेष मावे को नष्ट कराया जाएगा। प्रदेश भर में मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का अभियान जारी है, लेकिन विभाग के पास जांच के लिए लैब टेक्नीशियन नहीं है। लैब कर्मचारियों की कमी की वजह से फूड सैंपल की जांच का काम प्रभावित हो रहा है। रोजाना लिए जा रहे सैंपल्स की जांच होने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो अभियान के तहत प्रदेश भर से सैकड़ों सैंपल रोजाना जयपुर भेजे जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से जांच में ज्यादा समय लग रहा है, जिस वजह से कार्रवाई प्रभावित हो रही है। तो जयपुर लैब के अंदर भारी बहुत ज़्यादा काम कई जिलों का से आता है काम, तो आदमी मैन पावर कम है, इसलिए लगभग 40-50 दिन में हमको रिपोर्ट मिलती है। जो रिपोर्ट आएगी जो इसके हम कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश करते हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मावे से बनी मिठाइयों के लिए अभियान शुरू हो गया है। हमने जयपुर में चितवाड़ी जो मावे का मेन केंद्र है जहाँ मावा बनता है, वहाँ पर हमने कम से कम 12 से 15 सैंपल उठा लिए हैं। अजमेर में क्यूआरटी और स्पेशल टीम ने दरगाह थाना क्षेत्र में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच पर लगाया जा रहा सट्टा पकड़ा है। ये सट्टा होटल पे खेला जा रहा था, तो अहम खबर में आपको बता दें अजमेर से, जहां पर पन्नीग्राम चौक के पास एक मकान पर छापा मारा गया और इस छापेमारी के दौरान पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी। करोड़ों के सट्टे के कारोबार का पता फाश हुआ है यहां पर, कि यहां पर करोड़ों का सट्टा लगाया जा रहा था। मौके से 3 लैपटॉप 32 मोबाइल भी जब्त किए गए। तो यहां पर मैं आपको बता दें कि भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच पर यह सट्टा खेला जा रहा था। बालोतरा में टेक्सटाइल उद्योगपतियों की तरफ से मिली शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को विभाग ने अपील कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरपर्सन अर्पणा अरोड़ा के निर्देश पर लापरवाही और अभिनवता बरते जाने के आरोपी अधिकारी विक्रम सांखला को एपीओ कर जयपुर मुख्यालय भेज दिया गया। फिलहाल उनकी जगह किसी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, सहायक अभियंता को ही क्षेत्रीय अधिकारी का चार्ज दिया गया है। आपको बता दें कि टेक्सटाइल उद्योगपतियों ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरपर्सन अर्पणा अरोड़ा से विक्रम सांखला की शिकायत की थी और इसके बाद ये कदम उठाया गया। बूंदी के हाईलैंड मार्केट में दुकान के बाहर खड़े वाहनों को हटाने को लेकर पुलिसकर्मी और दुकानदार आपस में बुरी तरह से उलझ गए। झगड़ा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 दुकानदारों को हिरासत में लिया, जहां दुकानदारों ने कोतवाली पहुंचकर भी जमकर हंगामा किया था। पुलिस की माने तो 3 दुकानदारों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इधर दुकानदारों ने कोतवाली पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आपस के दुकानदार थे बातचीत हुई, उसमें दोनों में लड़ाई की बातचीत हो गई, बाद में पता पड़ा कि पुलिस के कर्मचारी थे। अब क्या मांगे कोतवाली में इकट्ठे हुए? मांग है कि सभी लोग आए बाजार में, किस प्रकार से व्यापारी के साथ मारपीट नहीं हो। बालोतरा के टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग खतरे में है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने प्रदूषण संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बालोतरा जसौल और बिठूजा में चलने वाले टेक्सटाइल इकाइयों को बंद कर रखा है। ये टेक्सटाइल इकाइयां पिछले 4 महीने से बंद हैं। कपड़ा फैक्ट्रीज भी बंद होने की वजह से कारोबार प्रभावित हो रहा है, तो वहीं पर 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें कि इलाके में करीब 3,000 टेक्सटाइल इकाइयां हैं जो कि इन दिनों बंद हैं। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। तीन इकाइयों को सीलिंग की गई और उन इकाइयों के बिजली पानी काटने के आदेश के अनुसार जयपुर मुख्यालय को कर दी गई है। और भी हमें कुछ सूचना प्राप्त हो रही है
कि कुछ अवैध इकाइयां चल रही है। रायपुर में बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे युवकों ने टीटी के साथ हाथापाई की है। हाथापाई की सूचना मिलते ही ट्रेन को मारपाड़ जंक्शन पर रोका गया, जहां पर जीआरपी ने आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना उस वक्त घटी जब रेलवे की फ्लाइंग टीम रायपुर सोचत रोड रूट के बीच में टिकट चेक कर रही थी। टिकट मांगे जाने पर बिना टिकट सफर कर रहे युवक हाथापाई पर उतरा। जीआरपी की पूछताछ में पता चला कि युवक बिना टिकट जयपुर से अहमदाबाद जा रहे थे। जीआरपी ने आरोपियों से जुर्माना वसूल कराके की कार्रवाई शुरू कर दी। खेतड़ी में भूमाफिया बेखौफ है। ताजा मामला वार्ड नंबर मद्रा का है, जहां पर भूमाफिया की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने ऐतिहासिक दादूपंथी मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मंदिर की दीवार गिराकर निर्माण का काम भी शुरू करा दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसडीएम ने निर्माण की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन भूमाफिया नगर पालिका के अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध निर्माण करा रहे हैं। मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। दबंगों के आतंक की वजह से कोई भी अवैध निर्माण रुकवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। फैसला ने यह अवगत कराया मुझे कि ये जमीन नगरपालिका के नाम से है। नगरपालिका की ओर से जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके ऊपर कोई निर्माण कार्य करने की परमिशन उनके द्वारा दी गई। मंदिरों के संबंध में देवस्थान विभाग की तरफ से कमेटी बनाई गई है, जिसमें उपखंड अधिकारी अध्यक्ष रहते हैं और तहसीलदार नगरपालिका के जो ईओ हैं वो मेंबर रहते हैं। देवस्थान विभाग का भी एक कर्मचारी उसमें शामिल रहता है। संत देवव्यास जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, क्षेत्रीय जो है ना उनकी तरफ से दिया हुआ है। ये तो काफी जमीन, ये तो तीन बीघा जमीन है। स्थित जो दादूपंथी मंदिर है, जो कि ऐतिहासिक और यहाँ के लोगों का आस्था केंद्र है, यहाँ पे जितनी भी शादी होती है सबसे पहले वहाँ पे धूप देने जाते हैं। उस मंदिर के नीचे जो कृषि भूमि है उसको अवैध रूप से वेचान कर दिया गया है और उस पर अवैध निर्माण हो रहा है। उस अवैध निर्माण को तुरंत प्रशासन द्वारा रोका जाए, क्योंकि उसमें लगता है कि प्रशासन की भी मिली भगत है। नसीराबाद कस्बे के श्रीनगर थाना पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए की जमीन की ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फर्जी पावटांडी तैयार कर करोड़ों की जमीन की ठगी की। नसीराबाद सदर थाना में डिप्टी हरिवंश ने खुलासा करते हुए बताया कि फर्जी पावटांडी तैयार कर लवेरा गांव के ग्रामीणों की जमीन को दिल्ली की आधी वेलफेयर ट्रस्ट को बेचा करता था। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटा हुआ है। किशनगढ़ में नगर परिषद इलाके में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का खेल अब खुले रूप से खेला जा रहा है। मेन चौराहे पर अवैध दुकानों के निर्माण को नगर परिषद के आयुक्त को 7 अगस्त को कार्रवाई करते हुए रुकवाया था, लेकिन उनके जाते ही अतिक्रमणकारी ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी नगर परिषद के आयुक्त को लगी, उन्होंने काम को फिर बंद करवा दिया और अतिक्रमणकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन इस मुकदमे का निर्माणकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ते और दुकान मालिक ने नगर परिषद को ठेंगा दिखाते हुए बीच बाजार में अवैध निर्माण को फिर से चालू करवा दिया। ऐसा नहीं है कि इस निर्माण पर अधिकारियों की नजर नहीं है, लेकिन पैसा, पावर और प्रेशर के नगर परिषद लाचार नजर आ रहा है। सूबे में राज्य पशु की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला एसके कॉलेज के पास का है, जहां पर तलाशी के दौरान ट्रक में ठूस ठूस कर भरे गए 14 ऊंटों को छुड़ाए गए। मौके से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो ऊंटों को भरकर तस्करी कर हरियाणा ले जाया जा रहा है। आरोपियों का नाम वाहिद और अनु है, जो कि हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अलवर के दशहरा मैदान स्थित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान ही मैदान के पास निकालने वाली सड़क पर एक कार में आग लग गई। गाड़ी में सवार सभी लोग जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकले, वहीं खड़े रावण दहन देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। आग को देख सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया जा सका। भवानी मंडी के मिश्रौली गांव में हर साल विजयदशमी के मौके पर अनोखा नजारा देखने को मिलता है। बात हम अन्नपूर्णा मंदिर की कर रहे हैं, जहां हर साल की तरह इस साल के दशहरे के मौके पर मंदिर प्रांगण में जलते अंगारों पर भक्त नंगे पैर चलते हुए नजर आए। इस अनूठी श्रद्धा को देखने के लिए हजारों लोग यहां मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस साल 5 भक्त नंगे पैर अंगारों पर चले। यहां सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त थे, लेकिन फिर भी भारी भीड़ को बनाए रखने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उदयपुर से नाथद्वारा जाने वाले मार्ग पर बनाए गए विशाल टनल पर आवागमन शुरू हो गया है। फिलहाल टेस्ट के लिए इस टनल को चालू कर दिया गया। नेशनल हाईवे 8 पर एलिवेटेड रोड के साथ बाईपास भी खोल दिया गया है।
इस महीने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस टनल का उद्घाटन करेंगे। इस टनल के शुरू होने के बाद उदयपुर से नाथद्वारा के बीच की दूरी 8 किलोमीटर कम हो गई है और इसके चलते न सिर्फ नाथद्वारा पहुंचने में समय लगेगा बल्कि लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल की भी बचत होगी। साथ ही चढ़ाई पर चढ़ते समय आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का सिलसिला भी थम जाएगा। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर ऐतिहासिक दुर्ग में बना गौमुख कुंड श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विजय स्तंभ के पास बने कुंड में सर्दी के मौसम में गर्म पानी आता है जबकि गर्मी में कुंड ठंडे पानी से भरा रहता है। यही नहीं, इस कुंड की विशेषता है सैकड़ों साल से कुंड में पानी की आवक लगातार जारी है। गौमुख से आने वाली पानी शिवलिंग पर गिर कर कुंड में जमा होता है और यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गौमुख कुंड में दुर्ग की बावड़ियों पर पानी आता है लेकिन बावड़ियों का पानी सूख जाने के बावजूद भी कुंड में पानी की आवक बनी रहती है जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। विजयदशमी पर सूबे के अलग अलग इलाकों में शहरों में कस्बों में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पहले परंपरागत तरीके से हथियारों की पूजा की और फिर शहर के मार्गों पर पथ संचलन। आपकी चल विजय स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। सुजानपुर नाकौर अजमेर गोंदिया चापुरा की तस्वीरें हैं आपकी चल विजय स्क्रीन पर, जहां पर स्वयंसेवक जयघोष की धुन पर कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन का शहरों में कई जगह संगठनों ने पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज और सांप्रदायिकता के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो देश की संप्रभुता के लिए आगे आकर इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। उदयपुर में ऐसी ही मिसाल बने जन नागरिक सेवा संस्थान के संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी, जिन्होंने समाजपुरा के मीरा नगर में गरबा महोत्सव आयोजित कर इंसानियत का संदेश दे रहे हैं। इस आयोजन में उनके साथ उनकी टीम भी जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि सभी धर्मावलंबियों को भी एक दूसरे के पर्वों पर उत्सवों पर सहभागिता निभानी चाहिए।